देश में कोरोना की तेज रफ्तार अब धीमी होती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में कुछ कमी जरूर आई है। पिछले 24 घंटों में जो आंकड़ा सामने है कोरोना का, वो भी थोड़ी राहत दे सकता है। देश में कोरोना की रफ्तार पिछले करीब दो हफ्ते से धीमी होने लगी है। नए मरीजों की बात करें तो कोरोना की रफ्तार थोड़ी ढीली पड़ने लगी है, लेकिन कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। बीते 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना से 2,59,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 20 मई को ये आंकड़ा 2,76,000 के पार था। वही रिकवरी रेट में भी अब सुधार देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों में कोरोना के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो ये आंकड़ा कुछ इस तरह है। 24 घंटे में 2,59,591 केस आए हैं, वहीं 4,209 मौतें हुई हैं और इसके साथ ही संक्रमण का आंकड़ा 2,60,00,000 के पार हो गया। अभी तक कुल कोरोना मरीज जो रिकवर हुए हैं वो आंकड़ा 2,27,00,000 के पार है। वहीं पूरे देश में अभी तक 2,91,331 मौतें कोरोना के चलते हो चुकी हैं। देश में कोरोना मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों में कोरोना के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो ये आंकड़ा कुछ इस तरह है। 17 मई को 2,81,386 केस आए थे, 18 मई को 2,63,533 केस आए, 19 मई को 2,67,334 केस आए थे, तो वहीं 20 मई को ये आंकड़ा 2,76,070 का था और 21 मई को 2,59,591 नए संक्रमित दर्ज किए गए। देश में भले ही बीते 24 घंटे में कोरोना मामलों में गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन कोरोना से मौतों का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ा है। 17 मई को 4,106 मौतें हुई, 18 मई को 4,329, 19 मई को 4,529, 20 मई को 3,874 और 21 मई को 4,209। देश में कोरोना के कहर के बीच अब सामने आ रही कोरोना मामलों से शुभ संकेत मिलने लगे। एक वक्त वो भी था जब कोरोना के कहर से देश कांप उठा था, वहीं अब शासन प्रशासन के साथ साथ लोगों ने भी राहत की सांस ली है और ये सब सरकार के प्रयासों और लोगों की समझदारी का ही नतीजा है। ऐसे में आगे भी यही उम्मीद की जा रही है कि कोरोना मामलों में ऐसे ही गिरावट जारी रहेगी। इसके लिए अभी भी कोरोना के प्रति सावधानी बरतने की जरूरत है। पल्लवी शर्मा, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।